राजधानी पटना के खुसरूपुर में अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पटना के खुसरूपुर में बैंक में पैसा जमा करने जा रहे चाय व्यापारी से हथियार के बल पर 2 लाख की लूट अपराधियों ने कर ली है। लूट का सीसीटीवी सामने आया है। विरोध करने पर अपराधियों ने पिस्टल की बट से व्यापारी को मारकर घायल भी कर दिया। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये बताने के लिए काफी है कि अब पटना कि कोई भी इलाके को अगर हम देखें तो चोरी, लूटपाट, छिनतई जैसी जो घटनाएं हैं वो रोजमर्रा की आदत जैसी हो गई हैं। अपराधी इसे रोजमर्रा की आदत बना चुके हैं और 2 लाख की लूट जो है चाय व्यापारी से अपराधियों ने की है। बैंक में अपराधी जिन पर हमला करते हैं वो चाय व्यापारी होते हैं। बैंक में वो पैसा जमा करने जा रहे होते हैं और इसी बीच बाइक सवार अपराधी लूट की पूरी घटना को अंजाम देते हैं और जब इसका विरोध किया जाता है तो व्यापारी को मारकर घायल भी कर देते हैं। आज 11 बजे करीब रामेश्वर प्रसाद जी जो 75 वर्षीय है, चाय व्यवसायी हैं, वो कुछ पैसा जमा करने बैंक जा रहे थे। घर के पास ही बुस्की वार्ड नंबर 9 के पास 2 लोगों के द्वारा इनके पैसा लूटने की घटना की गई है। घटना सूचना प्राप्त होते ही SHO और सभी पुलिस बल आके घटना के जांच में लगे हुए हैं। CCTV का अवलोकन किया जा रहा है और पैसा रिकवरी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्रवाई की जा रही है। आज 11 बजे करीब रामेश्वर प्रसाद जी जो 75 वर्षीय है, चाय व्यवसायी हैं, वो कुछ पैसा जमा करने बैंक जा रहे थे। घर के पास ही बुस्की वार्ड नंबर 9 के पास। और खबर राजधानी पटना से है जहां राजधानी में चोरों ने बंद घर को निशाना बनाकर लाखों के कीमती सामान, सोने और चांदी के जेवरात की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मामला पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर गोकुल पर स्थित मकान का है जहां चोरी की घटना हुई है। घटना को लेकर शास्त्री नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल मामले की पड़ताल जारी है। सर सुबह हम लोग छठ पूजा के लिए दीघा घाट गए थे तकरीबन 4:30 बजे के आसपास, और जब उधर से लौट के 7:30 बजे आए तो मेरे पिताजी ऊपर आए, हम लोग नीचे ही थे। इन्होंने देखा कि दरवाजा जो है खुला हुआ है और दरवाजा का जो लॉक है तोड़ा हुआ है। फिर उन्होंने रूम में देखा तो सारे जो लॉकर्स वगैरह थे अलमीरा के वो टूटा हुआ था। फिर हम लोग ऊपर आए तो देखा कि यहाँ पे हमारे घर के जो भी कीमती सामान और नगद पैसे थे वो चोरी हो चुके थे। हमने कितने के कीमती सामान थे और कितने पैसे चोरी हुए? जो ज्वेलरी था वो लगभग राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।